हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर हिंदी टीचर फ्रॉम सेंट नॉर्बर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दमू ऑफ क्लास फर्स्ट। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 18 के अंतर्गत राग के विभिन्न रूप पढ़ाने जा रही हूँ, तो ध्यान से समझें। बच्चों, जो राग होता है, राग की मात्रा को हम तीन प्रकार से लगाते हैं, जैसे राकी रेफ के रूप में, राकी रेफ के रूप में, रपादेन के रूप में। अब रपादेन की मात्रा दो प्रकार से लगाई जाती है, एक डंडी के रूप में और दो डंडी के रूप में, लेकिन इन तीनों का उच्चारण रा के रूप में किया जाता है। जैसे पहला रा की रेफ, समय बड़े उ की मात्रा सु या छोटा या, ऊपर रा की रेफ, तो ये क्या हो गया, सूर्य। क्या हुआ, सूर्य। वैसे ही यहाँ पे हुआ छोटा हुआ शा में आ की मात्रा शा, ऊपर रा की रेफ, तो ये क्या हो गया, वर्षा। यहाँ पर भी रा का उच्चारण, रेफ का उच्चारण क्या हुआ, रा के रूप में। वैसे ही ये रा पादेन की मात्रा, जो रा पादेन की मात्रा होती है इसका उच्चारण भी रा के रूप में किया जाता है। जैसे च छोटा छ, क्र छोटा क्र, चक्र, भ्र छोटा भ्र, म छोटा म, र छोटा र, भ्रमर। अब जो आपकी रा पादेन की दो डंडी वाली रा पादेन की मात्रा होती है उसका उच्चारण भी रा के रूप में किया जाता है। जैसे ड्र छोटा ड्र, म छोटा म, क्या हुआ, ड्रम। वैसे ही ट्रा में एक ही मात्रा ट्रे, न छोटा न, ट्रेन। अब यहाँ पर आपको रा की रेफ वाले, रा पादेन वाले बहुत से शब्द दिए गए हैं जिनको आपको पढ़ना व अभ्यास करना है। जैसे रा की रेफ से बनने वाला कर्म, धर्म, पूर्ण, चूर्ण, शर्त, गर्व। उसी प्रकार कर्म, भ्रम, प्रण, ग्रह, प्रणाम, प्रगति। वैसे ही ट्रक, ड्रामा, मेट्रो, ट्राम, ड्रेस, ये शब्द दिए गए हैं। बच्चों, अब हम कुछ पहेलियां पढ़ेंगे और जिनका हम उत्तर भी देंगे। जैसे गोल गोल हूँ हरा हरा, अंदर से लाल रस से हूँ भरा। क्या होता है ऐसा, जो गोल गोल भी होता है, ऊपर से हरा होता है, अंदर से लाल होता है, और बहुत सारा उसमें क्या होता है, रस होता है, वो है क्या, तरबूज। क्या है, तरबूज। अगला है, अगली पहेली है आपकी, बनी काठ से मैं इतराऊं, बंधी डोर से नाच दिखाऊं। तो काठ की बनी क्या, कठपुतली। अब कठपुतली का नाच तो सभी ने देखा होगा। अगला है आपका, रंग बिरंगे पंख मैं हिलाती, फूल फूल पर डोलूं और इतराती। अब फूल फूल पर कौन जाता है, जिसके पास रंग बिरंगे पंख होते हैं, कौन जाता है, तितली। कौन जाता है, तितली। अगला है आपका, वर्षा के बाद हूं मैं आता, आसमान में सात रंग बिखराता। अब आसमान में सात रंग का क्या होता है, इंद्रधनुष, जो हमेशा हम कब देखते हैं, बारिश के समय देखते हैं ना, तो क्या होता है सात रंगों वाला, इंद्रधनुष। अगला है, काले बादल देख मैं पंख फैलाता, खुश हो होकर सबको नाच दिखाता। अब काले बादल देखकर कौन नाचता है, और जिसके पास बहुत सुंदर सुंदर पंख होते हैं, कौन होता है वो, मोर। क्या है वो, मोर। तो आपको यहाँ पे कुछ पहेलियां दी गई हैं जिनको आपको पढ़ना है और उनका अभ्यास करना है। बच्चों, आज मैंने आपको पाठ 18 रा के रूप पढ़ा है। आपका गृह कार्य है पाठ 18 रा के रूप के सभी अभ्यास प्रश्नों का घर पर पुनः अभ्यास करना है। धन्यवाद।